अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं अभी उठी हूँ, नाश्ता करने लगी हूँ। ओके, नाश्ता करें, आ जाओ। चलो नाश्ता करें, बैठ रहे थे। हाँ, अबू बकर बलून के पीछे लगा हुआ था, उसको इतनी मुश्किल से अंदर लेके आई हूँ। मैंने नाश्ता तो कर लिया था, तो बस मेरा अभी रूम समेटने वाला है, सफाई वगैरह करने वाली है। तो मैं जा रही हूँ पहले बाजी की शर्ट लेने, दी हुई थी और यहाँ भूपकर बाहर खड़ा हुआ बाजी दे रहा था मुझे। तो मैं बस अभी जा रही हूँ बाजी की शर्ट लेने, वो दी थी कढ़ाई के लिए। अन्ना का हाथ पकड़ लो पुत्र, इधर मैं जा रही हूँ। अब अकर बिस्मिल्ला भी गिनना था, बिस्मिल्ला चल दरवाजा खोलो। इधर 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 चलो। मैंने शर्ट ले ली थी और अभी जा रही हूँ घर। घर जाके करते हैं काम शाम, किचन वगैरह देखें, क्योंकि आज आ रहे हैं बाजी के ससुराल वाले बाजी वालों को लेने। तो बस अभी जल्दी से जाते हैं घर और जाते हैं किचन में। यहाँ मैं घर आई तो पकोड़े बने हुए थे, आंटी ने पकोड़े बना के रखे हुए थे और बस दही बड़े बनाने थे जो कि मैंने बनाने थे। आंटी ने सामान वगैरह सारा तैयार कर दिया था, तो फिर मैंने दही बड़े बना लिए, सारे मसाले वगैरह डाल के खाने वगैरह बन गए। खाने में तो हमने सिर्फ दही बड़े और क्या कहते हैं पकौड़े बनाए, तो हम लोग मैं भी बस खाना खा लूँ, मोबाइल अपना लगा रही हूँ चार्जिंग पे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपना रूम वगैरह साफ़ करना है, सफाई वगैरह करनी है, क्योंकि बाजी के ससुराल वालों ने आना है बाजी को लेने। आज बाजी नहीं चले जाना है, तो मैं बस काम शाम कर लूँ, बाजी की मेहंदी भी लगानी है। अभी ट्यूशन पढ़ा के हटी हूँ, बाजी की मेहंदी लगाई थी थोड़ी बहुत, तो बाजी भी खुद लगा रही थी, फिलिंग कर रही थी, बाकी मैंने कर दिया था। फिलिंग रहती थी वो कर रही थी, कह रही चादर दे दो, तो यहाँ से इसको चादर निकाल के दूँगी, निकाल के फिर मैं जाऊँगी किचन में, देन वहाँ पर जाके करेंगे काम शाम, खाना वगैरह बनाना है। तो जब मैं देखूँ क्या करने वाला है आंटी को कि आप प्याज वगैरह लहसुन वगैरह सब कर लें, बाकी मैं आके बनाती हूँ। वो तो आंटी ने करके रख दिया है, तो बस मैं अभी बाजी को चादर में देख के फिर जाऊँगी किचन में। और यहाँ पे मैं किचन में आई थी, मैंने बनाने थे कोफ्ते, तो उसका मसाला वगैरह कीमा वगैरह बना के रखा हुआ था, बस उसको मतलब के उसके कोफ्ते बना के उनको फ्राई वगैरह करना था, अंडा वगैरह निकाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी किचन में, क्योंकि दो तीन डिशेस बनानी थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या सामान कहाँ पड़ा है। आंटी बस लगी नहीं थी, आंटी का काम होता है कि मतलब हमें टमाटर प्याज लहसुन वगैरह छील के देना, बाकी हमारा होता है काम बनाना। वैसे आंटी भी खाना बनाती हैं, मतलब जब मेहमान वगैरह आते हैं तो हम लोग मिल के करते होते हैं। ज़्यादातर मैं मुझे बनाना होता है, बिरयानी है तो बिरयानी बनानी है, देन पापा देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी कोफ्ते, अंडा डाला था इसके अंदर, यहाँ पे हमारे कोफ्ते भी बन चुके हैं, बस इनका भी मैंने करना है फ्राई। ऑयल रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और यहाँ पर जो कोफ्ता बिरयानी बनानी है उसका मसाला रखा हुआ है, प्याज डाल के, ऑयल और प्याज डाल के रखा है। और यहाँ पे हमारे कोफ्ते भी ब्राउन हो गए हैं थोड़े बहुत, मैंने डाल दिए थे थोड़े, मैंने हाफ़ डाले थे, हाफ़ ही हो जाएं, फिर इसको हाफ़ फ्राई करूँगी। और यहाँ पे हमारे कोफ्ते का मसाला भी तैयार हो रहा है, ये लहसुन टमाटर वगैरह सब कुछ आंटी ने तैयार करके रखा हुआ था, तो बस देन उसको डालती जाती हूँ और बनाई जाती हूँ। और यहाँ पर मसाला भी बन गया और कोफ्ते भी बन गए, बस अभी इसमें क्या कहते हैं। और यहाँ पर हमारी बन रही है फ्रूट चाट, जो कि पापा बना रहे थे, पापा ने बनाई थी फ्रूट चाट। हमने सब ने अपना अपना काम बांटा हुआ था, मैंने बिरयानी बनाई थी, पापा ने सालन बनाया था और पापा ने फ्रूट चाट बनाई थी। तो ये देखें मेरा जो था मसाला भी टनाटन तैयार हो गया। और वहाँ पे मुझे बर्तन आवाज़ें दे रहे थे कि आ जाओ मुझे आके धो लो, तो मैं बर्तन वगैरह धो लूँ। अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, क्या कहते हैं कोफ्ते वाला जो मसाला था वो तैयार करके रख दिया है सारा, बस चावल बॉइल करने हैं और क्या कहते हैं सालन बनाना है जो कि पापा बनाएंगे, मैंने बस बिरयानी बनानी है। और कबाब का मसाला था वो भी आंटी कर रही है, फ्रूट चाट थी वो भी पापा ने बना लिए। तो बस मैं अभी ये मानो को देखनी आई थी, ये नहीं मानो चलो आ जाओ।
आओ आपको दूँ। मैं ऊपर आई थी, मानो बोल रही थी, मैंने कहा चलो इसको डाल के आऊँ, हड्डियाँ वगैरह पड़ी हैं तो बस इसको डाल के फिर मैं जाऊँगी नीचे, जाके नहाऊँगी, नहा के बस फिर किचन में घुस जाने। वैसे 8:30 हो रहे हैं, बस नहा के नहा धो के फिर मैं जाऊँगी किचन में, जो थोड़ा बहुत जो काम रहता है हमारा वो करेंगे। जाओ जाके खा लो, मैंने डाल दिए चिचड़ी। चिचड़ी मैं काम शाम कर रही हूँ, पता नहीं कैसे व्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा बहुत जैसा भी आ रहा है जो जो दिखा रही हूँ, बस देखने बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आपसे भी थोड़ा बहुत शेयर कर लें। और ये रे राइस बॉयल हो गए थे मेरे, मैंने आगे आ गई थी, आगे फिर राइस बॉयल किए थे, तो बस अभी इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ, फिर इसको लगाते हैं दम। जी मेरा मुन्ना तो आ रहा है, बैठे हाँ मम्मा, मेरा मुन्ना सुबह से भूखा है, अभी इसको मम्मा चाहिए। दे रही हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो, बिस्मिल्लाह। मीना जी जा जाए पड़ोसिया, अब अगर आपने आप गिरा दोगे सारे मीठू, मैं खिलाती हूँ। जी मोरी लो दो लानी, जी मारी ला जो रानी है जी, अबू बकल है भाई। मैं तो अपनी बिरयानी वगैरह बना के अंदर चल गई थी, बच्चों को लेके बैठी हुई थी थोड़ी देर, और ये सालन जो कि पापा ने बनाया है कुकर के अंदर बनाया है, और यहाँ पे अभी हमारा बनना है हलवा, यहाँ पे हमारा बनने लगा है हलवा, ये सूजी का हलवा बनाना है जो कि आंटी बनाएंगी। मीठा हमारे घर में आंटी ही बनाती हैं, और ये देख लें इतने मज़े का लजीज हलवा बना था हमारा। मुझे हलवा वगैरह नहीं बनाना आता, बल्कि मुझे मीठा इतना नहीं बनाना आता, आंटी ही बनाती हैं, बाकी मैं सालन बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह बना लेती हूँ, मैक्रोनी स्पैगेटी और क्या कहते हैं उसको कोफ्ता, इस तरह के बना लेती हूँ। और यहाँ पर होने लगे हैं कबाब फ्राई, आंटी लोग तो आ गए थे, बस हमने बर्तन वगैरह भी सारे साइड पे निकाल दिए थे, तो बस अभी हम लोग करने लगे हैं कबाब फ्राई। तो कबाब फ्राई करके बर्तन लगाएंगे, लगा के बस खाना वगैरह खाएंगे, खा के बस फिर वही बर्तन उठाना और फिर धोना और फिर रेस्ट करना। सबसे प्यार तो ऐसी हालत हो गई थी सुबह से ही लगे हुए थे, शाम में फिर बच्चे हैं, बच्चों को भी देखा है, लेकिन आज क्या कहते हैं कि मैंने बच्चों को जल्दी फारिग कर दिया था तो वो लोग गए, बस फिर किचन में घुस गई थी मैं। और यहाँ पे हमारे मेहमान भी चले गए थे, और ये हमारे किचन की हालत देखें, किचन में बर्तन ही बर्तन हैं, बर्तन वगैरह तो हमने नहीं धोए थे, बाद में धोए थे खाना वगैरह खा के अपना। और ये रही बाजी जाने की तैयारी कर रही हैं, तैयारी तो सारी हो गई थी, बस ये आयशा की नेट थी ये भी लेके जानी थी, तो बस वो समेट के इसको दे रही थी लेके, चलो बाहर सारा बैग वगैरह रख दिए थे बाहर, कुछ बाहर जो थे दो शॉपर थे बाहर कार में रखने थे, तो फिर सारे लेके गए थे बाहर, फिर ऐसा ऐसा बाहर निकाले। लाइट भी नहीं थी हमारी, लाइट भी जा चुकी थी, 12:15 बजे लाइट चली जाती है, और लाइट भी जा चुकी थी। मैं अभी फ्री हुई हूँ, किचन वगैरह समेट के आने के साथ लगी हुई थी, किचन वगैरह समेटा है, समेट के अभी अंदर आई हूँ अपने रूम में, और ये बिल्कुल मेरा रूम देखें बिल्कुल खाली है, पहले आप रूम देखा होगा, वहाँ पे बिस्तर, यहाँ पे बैग, कुछ ना कुछ वहाँ पे झूला होगा, सब कुछ पड़ा था, सब कुछ चला गया क्योंकि बाकी लोग चले गए, और हमारा घर में बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है, सुनसान हुआ पड़ा है। कहते हैं ना बच्चों से ही रौनक होती है, तो वही बात बच्चों से ही रौनक होती है, और बच्चे गए तो बिल्कुल घर बिल्कुल हमारा सुनसान हो गया, सन्नाटा लगा हुआ है बड़ा। ये आंटी मुझे फ्रूट चाट देख के गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये खा लेती हूँ, फ्रूट चाट खाते हैं। ये आंटी खर्ची देखी गई थी बाजी के साथ, इसको रखते हैं इधर, तो बस अभी मैं फ्रूट चाट खाती हूँ, और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।